वो सैनिक आपसे भयभीत होकर भाग गए युवराज। आप मुझे देखकर चौंक गए, किंतु मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूं। आप मुझे बिना बताए यहां क्यों चले आए? हमसे पुराने महल की कुटन नहीं सहन की जा रही थी, इसलिए हम अफसोस में अकेला ही निकला है। मैं अवतार अच्छी तरह समझ रहा हूँ, किंतु मैंने भी राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं महेंद्र सिंह जी, आपकी खोज में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, क्योंकि आपको अपने पति की चिंता अधिक है, और यदि ऐसा है तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम ये कैसे जानती हो कि यहाँ हम चंद्रमुखी के फूल की खोज में आए हैं? मंदरा के लिए ये जानना कौन सी बड़ी बात है अतिथि युवराज, क्योंकि यहाँ जो भी युवराज आते हैं वो राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने आते हैं, परंतु आप ऐसे पहले युवराज हैं जो राजकुमारी चंद्रमुखी को नहीं अपितु चंद्रमुखी के फूल को प्राप्त करने आए हैं। मुझे लगता है कि वनराज को लुप्त कराने में कहीं उनके भाई भानु प्रताप सिंह का हाथ तो नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे। परंतु भाव जी, इतनी शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अभी भी पुराने महल से एक सैनिक बुरी सूचना लेकर आया है। सूचना? कैसी सूचना? हमारे अतिथि वनराज भी कहीं लुप्त हो गए महाराज। ये क्या हो रहा है भगवान सिंह जी? पहले विजेंद्र प्रताप सिंह हमारी राजकुमारी को लेकर लुप्त हो गए, अब वनराज भी लुप्त हो गए। हमने सेना प्रमुख महेंद्र सिंह जी को जांच के लिए भेज दिया है। अतिथि युवराज जहां भी होंगे उनका शीघ्र पता चल जाएगा महाराज। ये तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपने किसी न किसी को जांच के लिए अवश्य भेजा होगा, लेकिन केवल जांच से क्या प्राप्त होगा? हम आज और अभी ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि हमारे अतिथि वनराज को अचानक जाना पड़ा। महाराज, पुराने महल में रहते उन्हें बहुत दिन हो गए थे और उनका उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पा रहा था, इसलिए राजकुमारी चंद्रमुखी के लुप्त होने के पश्चात वो अपने राज्य को लौट गए होंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने का सपना उनका अधूरा रह गया, इसी कारण वो चले गए? इसके अलावा और दूसरा कारण क्या हो सकता है महाराज? जब राजकुमारी जी यहाँ नहीं है तो रुककर क्या करते? परंतु हमें गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि हमारे अतिथि वनराज चंद्रमुखी का फूल प्राप्त करने आए थे। हमें भी पहले यही सूचना मिली थी, किंतु जब हमने वनराज से पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि वो केवल राजकुमारी चंद्रमुखी को ही प्राप्त करने आए थे। हो सकता है कि वो असत्य कह रहे हैं, क्योंकि वो जब से रूपनगर आए हैं तभी से उन्होंने राजकुमारी चंद्रमुखी से ना तो मिलने की और ना ही देखने की इच्छा प्रकट की। इसका कारण उनके भाई भानु प्रताप सिंह ही है महाराज। जब उन्हें पता चला कि उनके भाई राजकुमारी से विवाह करने का लक्ष्य लेकर आए हैं तो कुछ निराश से हो गए थे। कारण कुछ भी हो, परंतु अब पानी हमारे सचमुच होता जा रहा है। आप रोजाना किसी ना किसी संकट की सूचनाएं देते चले आ रहे हैं, जिससे हमारी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। हमें शीघ्र ही शीघ्र हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी चाहिए और लुप्त अतिथि वनराज चाहिए। आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि महल में चल रही समस्त समस्याओं का अब अंत होने वाला है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। पुराने महल से वनराज लुप्त हो गया, यह सूचना महल में आग की तरह फैल गई है और महामहिम को इसका पता तक नहीं है। पता नहीं वो अपने कक्ष में बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। मंदरा तुम? मैं आपको और महामहिम को मिलने ही आई थी, परंतु महामहिम के कक्ष में गई तो दरबार ने बताया कि वो किसी कार्य से बाहर गए हैं, किंतु आप मिल गए, मेरी चिंता दूर हुई। चिंता? कौन सी चिंता की बात कर रहे हो तुम मंदरा? मुझे ये बताने की चिंता थी कि अतिथि युवराज के पुराने महल से भाग जाने की सूचना सुनकर
कहीं आप और महामहिम घबरा ना जाए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसकी सूचना तुम्हें भी मिल गई है। मंदरा, मैं जानता हूं कि वनराज लुप्त हो गया है और मैं ही क्या, सारे महल में ये सूचना फैल गई है और इसका पता तुम्हें अभी चला है। मंदरा, जबकि बहुत पहले महामहिम ने तुम्हें उस वनराज पर दृष्टि जमाए रखने के लिए कहा था। मैं महामहिम के ही आदेश का पालन कर रही थी। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मंदरा, आप सुनने को क्या शेष रह गया है? क्या यदि तुम महामहिम के आदेश का पालन करती ना, तो सबसे पहले इस बात का पता तुम्हें ही चलता कि वो वनराज वहां से लुप्त हो गया है। अतिथि युवराज के पुराने महल से लुप्त होने का सबसे पहले मुझे ही पता चला था उनसे। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। यदि तुम सत्य कह रही हो तो सबसे पहले इसकी सूचना तुमने हमें क्यों नहीं दी? मैं नहीं चाहती थी कि ये सूचना देने मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचू, क्योंकि अतिथि युवराज को मैंने ही पुराने महल से भगाया है। मैं नहीं चाहती थी कि ये सूचना देने मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचू, क्योंकि अतिथि युवराज को मैंने ही पुराने महल से भगाया है। क्या तुमने उसे भगाया? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि जब अतिथि युवराज पुराने महल में दिखाई नहीं देंगे तो ये सूचना रूपनगर के महल में आग की तरह फैल जाएगी, और यदि यही सूचना मैं सर्वप्रथम यहाँ लेकर आती तो मुझ पर संदेह भी हो सकता था। ये तुमने क्या कर दिया मंदरा? क्या कर दिया तुमने? किससे पूछकर तुमने उस वनराज को पुराने महल से भागने पर विवश कर दिया था? अब ये सूचना महामहिम को पता चलेगी ना, तो तुम पर संकटों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, पहाड़। नहीं हुजूर, अभी तो ये बात सुनकर महामहिम मुझे उपहारों से लाद दे, क्योंकि अतिथि युवराज को मैंने उस दिशा में भगाया है जिस दिशा के सारे मार्ग मेरे जाने पहचाने हैं, और मैं जब चाहूं उन्हें रोक सकती हूँ। किंतु मंदरा, तुमने उसे भगाया ही क्यों? ये जानने के लिए कि चंद्रमुखी का फूल छिपा कहाँ है, और यदि वनराज ने उसका पता लगा लिया तो मैं भी आसानी से उसका पता आप और महामहिम तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि आज के बाद दिन रात मेरी दृष्टि वनराज पर टिकी रहेगी। वाह मंदरा वाह, तुम इतनी चतुर निकलोगी ये तो हमने कभी नहीं सोचा। तुमने एक तीर से दो निशाने सामने, दो निशाने। अब हम उस वनराज के द्वारा चंद्रमुखी के फूल का पता भी लगा लेंगे, और वनराज के लुप्त होने का दोष हम महाश्वेता पर लगा देंगे। हमारा संदेह विश्वास में बदल गया है। ये कोई बहरूपिया है, हमारे पिताश्री नहीं। चलो, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। बोला बहरूपिया, खबरों तो मैं रूपनगर के महल में जाके खबर देता हूं।
अरुण जी, अरुण जी प्रणाम। प्रणाम बुद्धि सिंह, इस समय तुम यहाँ कैसे? इस समय तुम्हें रूपनगर की सीमा पर राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज के लिए होना चाहिए था। एक आवश्यक सूचना लेके आया हुजूर। हमारे लिए इस समय आवश्यक सूचना केवल एक ही है, केवल एक, और वो है राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज। और तुम राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज किए बिना यहाँ आ गए? हमने उन्हें खोज लिया भुवन जी। क्या तुमने उन्हें खोज लिया? कहाँ है वो? वो अभी भी रूपनगर की सीमा के भीतर है। कल रात्रि हमने उन्हें बहरूपिया के साथ जंगल में देखा। क्या तुमने उस बहरूपिय को राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ देखा? तो तुम उस बहरूपी की हत्या करके राजकुमारी चंद्रमुखी को यहाँ क्यों नहीं लाए? इससे पहले कि हम बहरूपिया तक पहुंचे, वो लुप्त हो गया। लुप्त हो गया? कैसे लुप्त हो गया? जी तो चाहता है इसी समय तुम्हारा सर धड़ से अलग करने का आदेश दे दूं। किंतु जाओ और सेना प्रमुख से कहो कि हमने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा हो। सेना प्रमुख जी, कहो क्या कार्य है? भुवन सिंह जी ने आपको अपने कक्ष में तत्काल याद किया है। भुवन जी, आपने हमें तत्काल क्यों याद किया? हम तो वनराज को खोजने जा रहे थे। महेंद्र सिंह जी, इस समय वनराज की खोज से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज है। मैं जानता हूँ भुवन सिंह जी, परंतु आप निश्चिंत रहिए, राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज के लिए हमारे सैनिक चारों तरफ निगरानी रखे हुए हैं। और वो सैनिक अपने उद्देश्य में सफल भी हुए हैं। क्या इसका तात्पर्य यह हो कि राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज पूर्ण हो गई? राजकुमारी चंद्रमुखी मिल गई? कहाँ है वो? वो हमें मिली तो नहीं है, परंतु ये पता लग गया है कि वो किस दिशा में है। कल रात्रि बुद्धि सिंह ने उस बहरूपिय के साथ राजकुमारी चंद्रमुखी को देखा। जब तक बुद्धि सिंह उन तक पहुंचते, वो बहरूपिया राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर लुप्त हो गया। बुद्धि सिंह, किस दिशा में तुमने उन्हें देखा? तुरंत हमें बताइए, हमें मानना चाहिए। यही हम भी चाहते हैं। आप तुरंत बुद्धि सिंह के साथ वहां जाएं और उस अपराधी को गिरफ्तार करें या मृत्यु दंड दें, परंतु राजकुमारी चंद्रमुखी को यहां लेकर आए। आप निश्चिंत रहे भुवन सिंह जी, शीघ्र ही राजकुमारी चंद्रमुखी इस महल में होंगी। कहीं ऐसा ना हो वो बहरूपिया रात्रि का लाभ उठाकर फिर से लुप्त हो जाए। ऐसा नहीं होगा भुवन सिंह जी। बस इतना समझ लीजिए, उस अपराधी का अंत आ गया है। महाराज, एक शुभ समाचार है। शुभ समाचार? जो बहरूपी आपका रूप धरकर राजकुमारी को भगा ले गया था,
उसका पता चल गया है। कहाँ है वो बहरूपिया? उसे शीघ्र से शीघ्र हमारे सामने लाया जाए। हम उसे ऐसा दंड देंगे कि फिर कोई कभी इस महल में आकर ऐसा कार्य करने का साहस न कर सके। अभी वो बहरूपिया रूपनगर के जंगलों में ही है महाराज। उसे हमारे सैनिकों ने देख लिया है और वो लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। यदि हमारे सैनिक अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं तो ये सूचना आप तक पहुंची कैसे? जो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे महाराज, उनमें से एक सैनिक ने हमें ये सूचना दी है और बाकी अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो बहरूपिया चंद्रमुखी को लेकर बहुत दूर निकल चुका होगा, और यह भी हो सकता है कि रूपनगर की सीमाओं से भी दूर निकल गया है। नहीं महाराज, रूपनगर की सीमाएं चारों तरफ से घिरी हुई है। यदि वो बहरूपिया रूपनगर की सीमा से बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा तो तुरंत बंदी बना लिया जाएगा। भुवन सिंह जी, आपका कहना ठीक है, परंतु आपने एक भूल कर दी। भूल? कैसी भूल? यदि यहाँ का सूचना देने से पहले अगर आप किसी बड़े अधिकारी को वहां भेज देते तो वो बहरूपी अब तक पकड़ा जा सकता था। हमने इस कार्य के लिए सेना प्रमुख को लगा दिया है महाराज, और अभी तक उन्होंने उस बहरूपी की घेराबंदी भी कर ली होगी। आपकी चतुराई पर हम अति प्रसन्न हुए, परंतु याद रहे कि हमारी चंद्रमुखी कोई हानि न पहुंचे। हो सकता है तो वो बहरूपिया हमारी सपुत्री को अपने ढाल बना ले। आप निश्चिंत रहिए महाराज, महेंद्र सिंह जी की वीरता पर हमें पूर्ण विश्वास है। उनके रहते हुए हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी को खरोंच तक नहीं आएगी, और वो बहरूपिया या तो आत्मसमर्पण कर देगा या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह, किसे ढूंढ रहे हो? उस पापी, ढूंढ तो हम अपने भाई को रहे थे, परंतु तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम हमें मिल गए। तुमने हमसे हमारा वास्तविक स्वरूप छीनकर अपना रूप हमें दे दिया। देखो, आज हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप हमें लौटा दो, अन्यथा हम आज तुम्हारा वध कर देंगे। अच्छा, जय महाकाल। और विजेंद्र प्रताप सिंह, तुम और हमारा वध करोगे? मूर्ख हो तुम। अरे मूर्ख, दुनिया के महान जादूगर विचित्र सेन को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ, हम तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक हम राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त नहीं कर लेंगे। राजकुमारी चंद्रमुखी को रूप नगर के महल से उठाकर हम यहाँ लाए थे, परंतु वो यहीं कहीं इस जंगल में छिपी हुई है। जैसे ही वो हमें प्राप्त हो जाएगी, हम तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप लौटा देंगे। मूर्ख, तुम जैसे राक्षस को राजकुमारी चंद्रमुखी कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रूपनगर के महाराज के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अकाल मृत्यु और हमारी? जय महाकाल। अकाल मृत्यु को हम नहीं, तुम प्राप्त होगे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमें मिल गए। काल मृत्यु हमारी नहीं, तुम्हारी होगी। रूपनगर के सैनिक हमें ढूंढने के लिए जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। अब हम तुम्हें सदा सर्वदा के लिए इस संसार से विदा कर देंगे, और तुम्हारा शव देखकर मूर्ख सैनिक ये सोचेंगे जादूगर विचित्र सेन मारा गया। परंतु वो मूर्ख ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह मारा गया है। जादूगर विचित्र सेन नहीं, जो
समझो। जय माता। गजराज सिंह जी, हम लोग विपत्तियों से घिरते ही जा रहे हैं। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। अब मेरे लिए क्या देखते? वो बहरूपिया और राजकुमारी चंद्रमुखी अभी भी हमारी सीमा में ही है। हमने सेना प्रमुख को उन्हें खोजने के लिए जंगल में भेजा है। हम चाहते हैं कि आप भी जंगल में जाकर उन्हें खोजें। हमें हर हाल में राजकुमारी चंद्रमुखी चाहिए। चंगू, ये प्राणी नए वस्त्र पहनकर थोड़ा सा सुंदर दिखाई देने लगा है। अरे मंगू, वो कितने भी नए वस्त्र पहने किंतु हमसे सुंदर नहीं दिखाई देगा। तुम बिल्कुल ठीक कहता है चंगू। इस पूरे रूपनगर में नहीं, इस पूरे संसार में हम दोनों से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। परंतु इसका कुछ करना होगा, नहीं तो ये भी अन्य युवराजों की तरह हमारे सर पे बैठकर नृत्य करेगा। ए सुनो, ए दूसरे ग्रह से आए हुए पशु, अरे इधर इधर नीचे देखो। ओहो, तो तुम हो आधे अधूरो। इस तरह यहाँ तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे महाराज भानु प्रताप सिंह ने मुझसे कहा कि जोरावर जी, ये पूरा राजमहल तुम्हारा है। राजमहल ही क्या, अभी तो ये पूरा रूपनगर तुम्हारा है। जहां चाहो वहां जाओ। तो मैं आ, इस महल में घूमने के लिए हमारी अनुमति चाहिए। तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता पड़ी? अरे मेरे नन्हे मुन्नो, ये तो बताओ कि तुम हो कौन, प्रधानमंत्री या यहाँ के सेना प्रमुख? हमारा ओहदा उनसे भी बड़ा है। अच्छा, क्या ओहदा है तुम्हारा? हम महाराज के दाएं बाएं हैं। और महाराज ने हमें कहा है कि हम जिसे चाहें उसे कारागार में डाल सकते हैं या फांसी दे सकते हैं। अगर तुम दोबारा महल में इधर उधर दिखाई दिए तो हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे या फांसी पे लटका देंगे। समझ गया, बिल्कुल समझ गया महाराज के दाएं बाएं। आज के पश्चात यदि मैं कोई भी भूल करूंगा तो आपके अनुमति अवश्य ले लूंगा। ठीक है, चलो मंगो। चलो चलो, चल करके उस बावर्ची को फांसी पे चढ़ा देते हैं जिसने कल रात हमारे भोजन में मिर्ची ज्यादा डाल दी थी। चलो चलो। तुम इधर जाओ।
तुम दोनों यही ठहरो, मैं गजराज सिंह जी को लेकर आता हूँ। गजराज जी, हमें वहां पर एक शव मिला है। इस शव को रूप में रहते महल में ले चलो। गजराज जी, ये किसका शव है? पता नहीं बोलते जी, जंगल में हम राजकुमारी चंद्रमुखी को खोज रहे थे, तभी वहां से शव मिला। ये मनुष्य हमें विचित्र सा लगता है, रूपनगर का वासी भी नहीं दिखाई पड़ता है। कौन हो सकता है ये? कैसे कैसे हत्या हुई इसकी? किसी साधारण शस्त्र से हुई है। तुम इस सबको देखकर इतना चौंक क्यों गए? क्या तुम इसे जानती हो? जी हुजूर, वो कुछ छुपाने का प्रयत्न मत करो कुछ में। अन्यथा तुम भी फंसोगे। बताओ कौन है ये? हुजूर, ये जादूगर विचित्र सेन हो सकता है। है या है? सच बताओ। नहीं नहीं, ये जादूगर विचित्र से नहीं है हुजूर। तुम कैसे जानती हो उसे? हुजूर, जब एक बार हम राजकुमारी चंद्रमुखी जी के साथ जंगल भ्रमण के लिए गए थे, तब ये हमें वहीं मिले थे, और इन्होंने राजकुमारी चंद्रमुखी जी को संकटों से बचने के लिए अपना आशीर्वाद भी दिया था, किंतु ये तो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जो गजराज जी, तुरंत किसी सैनिक को भेजकर महेंद्र सिंह जी को महल में वापस बुला लीजिए। हम उन्हें लेकर तत्काल महाराज से भेंट करने जाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? जादूगर विचित्र से एक साधारण शस्त्र से कैसे मारा जा सकता है? नहीं नहीं, हमने जो शव देखा है वो जादूगर विचित्र सेन का नहीं हो सकता। हमें पता करना होगा कि वो शव किसका है और जादूगर विचित्र सेन कहाँ है। और आप यहाँ? मैंने आपको महल के कोने कोने में खोजा। अभी अभी सूचना मिली कि महल में कोई शव आया है, तो मैंने सोचा आपका होगा। गधे, कभी तो अच्छा सोचा करो। हम 100 वर्षों तक जीवित रहने वाले। ऐसा क्या कह रहे हैं सरकार कि आप 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे? यदि आप ऐसी कोई अशक्ति जानते हैं तो मुझे भी दीजिए, मैं भी 100 वर्षों तक जीना चाहता हूँ। मेरे मतलब आपकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रसन्न हुए तुम्हारी सेवा भावना जानकर हम गदगद हुए। गधे हुए? गधे नहीं मूर्ख, कद कद हुए गधे। सरकार, यदि वो शब्द आपका नहीं था तो फिर सोचिए किसका था? हमें क्या लेना देना उस शब्द से? ना हमें कोई दुख है और ना ही कोई प्रसन्नता। यदि कोई दुख नहीं है तो कम से कम प्रसन्नता तो होनी चाहिए। प्रसन्नता हो सकती है अगर वो शब्द हमारे सौतेरे भाई वनराज का होगा। जाकर पता करो कहीं वो तो नहीं मर गया। अगर वो मर जाए
तो वहां जाकर हम बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू बहा देंगे। एक बात और, हम परेशान हो गए इन चंगू मंगू भुवन सिंह नागराज महेंद्र सिंह रणवीर सिंह सबसे। हम किसी से नहीं मिलना चाहते। यदि कोई भी हमारे द्वार के बाहर आए तो कहना कि हम नहीं है। अरे रुको मूर्ख, इधर आओ। कहना कि हमारे युवराज तपस्या कर रहे तपस्या, ताकि राजकुमारी चंद्रमुखी हमें ठीक ठाक मिल जाए। शीघ्रता से जाओ, तपस्या, भोजन खाएंगे और विश्राम करेंगे। क्या कह रहे हो नागराज? मैं सत्य कह रहा हूं महामहिम, जिस शव को लेकर सिपाही आए हैं वो शव जादूगर विचित्र सेन का ही है। और तो और, उस शव को देखकर वो कुसुमी भी चौंक गई थी महामहिम। बूढ़े भुवन सिंह और सेना प्रमुख महेंद्र सिंह के क्या हाल हैं? महेंद्र सिंह तो राजकुमारी को खोजने गए हैं, परंतु भुवन सिंह ने उन्हें बुलावा भेज दिया है और वो दोनों तत्काल महाराज से मिलने वाले हैं। अब देखते हैं महाराज की क्या प्रतिक्रिया होगी। हमें ना तो किसी जादूगर के शव से लेना देना है और ना ही किसी और पास से। हमें तो बस हमारी सुपुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी चाहिए। महाराज, जिस स्थान पर हमारे सैनिकों ने राजकुमारी चंद्रमुखी को उस बहरूपी के साथ देखा था, उसी स्थान के आसपास हमारे सैनिकों को जादूगर विचित्र सेन का शव मिला है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? राजकुमारी चंद्रमुखी के लुप्त होने और विचित्र सिंह के बीच में कोई कड़ी है? जी महाराज, सुना है विचित्र सिंह किसी का भी रूप धारण कर सकता है। हो ना हो, राजकुमारी चंद्रमुखी की सूरत उसी ने बदली होगी और उसी ने आपका रूप धारण करके राजकुमारी जी को लुप्त किया होगा। तो फिर विचित्र सिंह की हत्या किसने की? अवश्य राजकुमारी चंद्रमुखी ने की होगी। उन्हें विजय सेन की सच्चाई का पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए विजय सेन की हत्या कर दी। तो फिर राजकुमारी चंद्रमुखी कहाँ है? यदि जादूगर विचित्र सिंह ने राजकुमारी का अपहरण किया होता और राजकुमारी चंद्रमुखी ने अपने बचाव के लिए उसकी हत्या की होती, तो इस समय राजकुमारी इस राजमहल में होती। जब तो वो नहीं आई, नहीं पहुंची, इसका तात्पर्य यह है कि आप लोगों का सोचना गलत है। राजकुमारी चंद्रमुखी अभी भी उसी अपहरणकर्ता के पास है। और आप लोगों को रूपनगर की सीमाओं में एक शव मिला तो आपने अनुमान लगा लिया कि अपराधी वही है। आप लोग क्यों नहीं समझते कि इस राज्य की राजकुमारी चंद्रमुखी लुप्त हुई है? और राजकुमारियों कोई भेड़ बकरी नहीं है। आप लोग रोज कोई ना कोई नई कहानी सुनाने आ जाते हैं। अगर आप लोगों के बस में नहीं है तो जाइए, आप दोनों विश्राम कीजिए। जो कुछ करना है हम स्वयं ही करेंगे। परंतु महाराज, बस बस, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। जाइए। सुना है महामहिम महाराज ने भुवन सिंह और महेंद्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाकर बहुत लताड़ा और उन्हें वहां से भगा दिया। महाराज, ये तो खुशी की बात है। महामहिम, ये खुशी की नहीं, बहुत खुशी की बात है। अब हम इस अवसर का लाभ उठाकर महाराज के समीप पहुंच सकते हैं और वो प्राप्त कर सकते हैं महामहिम, जिसे प्राप्त करने के लिए हम वर्षों से इस महल में पड़े हैं। बात तो तुमने बिल्कुल सत्य कही है, परंतु केवल भुवन सिंह और महेंद्र सिंह हमारे मार्ग का काटा नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। महामहिम, एक बार शुरुआत तो हो, उसके पश्चात हम सारे रूपनगर को दीमक की तरह चाट जाएंगे, नष्ट कर देंगे। नागराज, हमें रूपनगर को चाटना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, अभी तो इस रूपनगर पे हमें राज करना है। राज, वही महामहिम, वही मेरे कहने का तात्पर्य वही था। किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आई, विचित्र सिंह जैसा चतुर और चालाक इंसान इतनी आसानी से कैसे मारा गया? हाँ नागराज, ये बात तो मेरे गले से भी नहीं उतर रही है। महामहिम, कहीं ऐसा तो नहीं
कि उस विचित्र सेन ने किसी और को मार दिया हो और हम सबको गुमराह करने के लिए उसका शव जंगल में फेंक दिया हो सकता है नागराज, ऐसे भी हो सकता है। महामहिम, यदि ऐसा हुआ है तो इसका सच हमें केवल और केवल कुसुम ही बता सकती है। आओ उसमें आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आप जीवित हैं गुरुदेव, मुझे आपको देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही। उस शव को देखते ही मैं समझ गई कि वो शव मेरे गुरुदेव का नहीं है। आप जैसा शक्तिशाली जादूगर किसी साधारण शस्त्र से नहीं मर सकता। जय महाकाल। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कुसुमी, दुनिया के महान जादूगर विचित्र सेन को किसी साधारण शस्त्र से नहीं मारा जा सकता और ना ही कोई साधारण मनुष्य हमें मार सकता है। अरे मनुष्य तो क्या, स्वयं ईश्वर भी हमें नहीं मार सकते, और यदि हमें मारना हो तो उन्हें भी हमसे पूर्व अनुमति लेनी होगी। सत्य कहा गुरुदेव आपने, सत्य कहा। किंतु गुरुदेव, वो शव किसका था? वो शव वो शव स्वराज विजयेंद्र प्रताप सिंह का था। क्या वो शव कुंवर विजयेंद्र प्रताप सिंह का था? हाँ हाँ कुसुमी, हाँ। हमने स्वयं अपने इन्हीं हाथों से उसकी हत्या कर दी थी। हत्या? परंतु क्यों, आपने उसकी हत्या क्यों की गुरुदेव? वो इसलिए कुसुमी, ताकि लोग उसका शव देखकर भ्रमित हो जाएं और ये समझें कि जादूगर विचित्र सेन की मृत्यु हो गई है, और इस घटना की आड़ में हम अपना कार्य बड़ी ही सहजता से पूर्ण कर सके। अब आपका कौन सा कार्य अधूरा रह गया गुरुदेव? महाराज का बहरूपिया बनकर आप राजकुमारी चंद्रमुखी को तो अपने साथ ले ही आए हैं। हाँ कुसुमी, राजकुमारी चंद्रमुखी को हम अपने साथ लेकर तो आए थे, परंतु रूपनगर के घने जंगलों में कब वो हमसे बिछुड़ गई पता ही नहीं चला। खैर, उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, और जैसे ही वो हमें मिलेगी हम बलपूर्वक उससे विवाह कर लेंगे, और उसके पश्चात रूपनगर के सम्राट बन जाएंगे। रूपनगर के सम्राट? आपका सम्राट बनने का सपना तो मैं कब से देख रही हूँ गुरुदेव। बस उसमें उस स्वप्न को पूर्ण होने में अब थोड़ा ही समय शेष रह गया है। तुम एक कार्य करो। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। आज्ञा यह है कुसुमी कि महल के हर उस अधिकारी को जो हमारे कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न कर सकता है, आंतरिक रूप से इतना उलझा दो कि उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाए। जय महाकाल। मेरे प्यारे देशवासियों,